आप एक फ्री फायर प्लेयर हो, आपको फ्री फायर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, आपका गेम प्ले भी अच्छा है, आप रोज रैंक पुश भी करते हो, लेकिन स्टिल आप लोग का मास्टर ग्रैंड मास्टर नहीं हो रहा। आप लोग तो बहुत अच्छे से गेम खेलते हो लेकिन आप लोगों का माइनस हो जाता है। आप लोगों का एक मैच प्लस होता है तो तीन मैच माइनस होता है। हीरोइक तो चले जाते हो लेकिन ग्रैंड मास्टर मास्टर नहीं पहुंच पाते हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके करेक्टर कॉम्बिनेशन में दम नहीं है और जो भी कॉम्बिनेशन लेके खेलते हो उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आप लोग गेम तो स्टार्ट कर देते हो लेकिन बुइया नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है और गाइस आप लोग ग्रैंड मास्टर नहीं जा पाते हो। तो अब आपका क्वेश्चन होगा इसको कैसे सुधारें। तो इसका सिंपल सा आंसर है गाइस, सही तरीके से करेक्टर कॉम्बिनेशन चूज करना। लेकिन सही कॉम्बिनेशन क्या होता है और इससे रैंक कैसे पुश होता है, इसका आंसर आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोग ये जान लो रैंक पुश दो तरह से होते हैं, एक सर्वाइव करके एक रश करके। तो जो लोग सर्वाइव करके रैंक पुश करते हैं वो लोग रश नहीं कर पाते अच्छे से, और जो लोग रश करके रैंक पुश करते हैं वो लोग सर्वाइव करके इतने अच्छे से नहीं खेल पाते। तो इसलिए गाइस मैं आज आप लोगों के लिए तीन ऐसे करेक्टर कॉम्बिनेशन लाया हूं जो कि ओपी तरीके से कोई भी बंदा यूज कर पाएगा। तो पहला जो करेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है गाइस सर्वाइवर के लिए, एंड सेकंड जो करेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है रशर के लिए, एंड थर्ड जो करेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है गाइस सर्वाइवर एंड रशर दोनों को मिला के। तो बात करते हैं पहले कॉम्बिनेशन की जो की है सर्वाइवर कॉम्बिनेशन। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ जितने भी ग्रैंड मास्टर के बंदे है ना वो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके साथ इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को गेम प्ले के साथ बताऊंगा। ओके तो गाइस इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को लेना है के करेक्टर एक्टिव स्लॉट पे, उसके बाद मिशा करेक्टर, मैक्सिम करेक्टर, एंड लास्ट में आप लोगों को लेना है रफेल करेक्टर। और इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों को लोड आउट में लेना है पॉकेट मार्केट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना। ओके तो इस कॉम्बिनेशन को लेके गेम प्ले के कुछ मूवमेंट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से पता चले कि आप लोगों को कैसे इसको यूज करना है। सो गाइस इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फायदा आप लोग देख सकते हो, मैं एकदम जोन के बाहर हूँ ठीक है, और ओपी तरीके से इधर लूट रहा हूँ, और गाइस देख सकते हो आप लोग मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी हेल्थ का इशू नहीं है, मैं बिंदास होके कहीं पर भी जाके इजीली लूट सकता हूँ। और गाइस मेरे पास मिशा करेक्टर है जिसकी मदद से मैं इजीली इधर से लूट के आराम से जोन रोटेशन मार सकता हूँ। तो सेम चीज आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग सोलो में खेल रहे हो, तो ये तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि गाइस आप लोग जब भी बाहर रहकर आराम से लूट वूट करोगे तो उधर बंदे लोग फाइट करके आराम से कम हो जाएंगे। और अगर आप लोग डुओ में खेल रहे हो गाइस वो तो और भी ज्यादा अच्छा है, लोग डुओ पार्टनर को बोलो उधर जाके रश वश करने के लिए, और गाइस आप लोग जोन के बाहर रह के आराम से लूट करो। एंड गाइस आपका पार्टनर अगर कोई भी जगह पर मरता है तो गाइस आप लोग जोन के बाहर से इजीली रिवाइव भी कर सकते हो। सेम चीज आप लोग स्क्वाड में भी कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ, इजीली आप लोग बाहर रह के आराम से लूट वूट कर सकते हो, और आपके स्क्वाड मेट जो लोग है ना उनको बोल सकते हो रश करने के लिए, और वो लोग अगर मरते हैं तो आप लोग बाहर रह के इजीली उनको रिवाइव कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन जोन सर्वाइव के लिए तो सबसे बेस्ट है। ओके उसके बाद गाइस जोन रोटेशन के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ओपी है, क्योंकि गाइस देखो जैसे कि मेरा जो हेल्थ है वो कम हो चुका है, और गाइस मैंने क्या लिया है मैक्सिम करेक्टर जिसके मदद से मैं एक इजिली बहुत ही फर्स्ट मेडिकेट मार के अपना हेल्थ पूरा कर सकते हो। और दूसरी बात मिशा करेक्टर है मेरे पास, आराम से लूट वूट करके मैं जोन के किसी भी जगह पर आराम से जाके बैठ सकता हूँ, जिस जगह पर मेरे को मन चाहे मैं उस जगह पर जा सकता हूँ गाड़ी लेके। कोई बंदा अगर मेरे को स्पॉट भी कर लेता है फिर भी वो मुझे मार नहीं पाएगा क्योंकि मैंने मिशा करेक्टर ले रखा है। तो इस कॉम्बिनेशन की मदद से आप लोग बहुत ही ओपी तरीके से जोन रोटेशन भी मार सकते हो। उसके बाद आता है फाइट, जब भी आप लोग बंदे के साथ फाइट करोगे ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसे मदद करेगा आप लोग ध्यान से देखो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बंदा मेरे को डैमेज दे चुका है और मैंने के करेक्टर का एबिलिटी ऑन कर दिया, और गाइस मैं देखो कितने ओपी तरीके से मेरा हेल्थ बढ़ चुका ठीक है ना, और सामने जो भी बंदा आ रहा है मैं कितने खतरनाक तरीके से बंदे को मार रहा हूं और ओपी तरीके से मेरा हेल्थ बढ़ रहा है। मेरे को देखो मेडिकेट मारने की कोई जरूरत नहीं हो रहा, इनहेलर था इनहेलर मार दिया, इनहेलर से हेल्थ बढ़ रहा है और उसके साथ साथ एपी भी बढ़ रहा है जिसकी मदद से मेरा जो हेल्थ है ना पूरा फुल हो चुका है, आप लोग एक बार देख सकते हो। तो ऐसे करके शॉर्ट रेंज में जब भी आप लोग फाइट करोगे बंदे के साथ ओपी तरीके से आपका जो हेल्थ है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, आप लोगों को कोई भी मेडिकेट के टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा। बहुत बार ऐसा सीन होता है थोड़ा सा एचपी बचता है तब बंदा फटाक से आ जाता है, उस टाइम मेडिकेट मारू या बंदे को मारू कंफ्यूज हो जाता हूं हम लोग, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रहने से आप लोग ओपी तरीके से बिंदास होकर बंदे के साथ फाइट कर पाओगे क्योंकि आप लोगों का जो हेल्थ है ना वो के करेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ा के देगा ठीक है। तो उस टाइम आप लोग बिना कोई टेंशन लेके बंदे के साथ फाइट कर पाओगे समझो। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, और मैं आप लोगों को बता देता हूं ये कॉम्बिनेशन यूज करके मैं मास्टर तक पहुंचा, उसके बाद मैं दूसरा कॉम्बिनेशन यूज किया जिसके बारे में मैं आप लोगों को
लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हमारे सेकंड कॉम्बिनेशन की, जो कि रशर के लिए, स्पेशली जो लोग रश करके गेम प्ले करते हैं, जिनको रश करना पसंद आता है उनके लिए। और मैं एक चीज आप लोगों को बोल देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन का ये खासियत है कि इस कॉम्बिनेशन की मदद से आप लोग तो रश कर पाओगे, लेकिन आप लोगों को माइनस होने की कोई डर नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये कॉम्बिनेशन की मदद से आप लोग सही तरीके से रश करके गेम प्ले कर पाओगे। तो इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को लेना है तस्वा करेक्टर, लूना करेक्टर, केली करेक्टर एंड उल्फ्रा करेक्टर, एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों को लोड आउट में लेना है बॉनफायर, समझ लो। तो जैसे कि आप लोग इस क्लिप पर देख सको, बंदा मेरे को पीछे से कितना खतरनाक डैमेज था, मेरे पास क्लूअल नहीं था, मैं तस्वा करेक्टर को यूज करके ओपी तरीके से फटाक फटाक से कवर में चलाया, और इधर रुका और इधर रुक के एकदम फटाक से मैंने बॉनफायर चलाया और मेडिकेट मार के अपना हेल्थ फटाक से पूरा किया, और उसके बाद इधर ही थोड़ा सा वेट किया, वेट करने के बाद बंदा फटाक से मेरे सामने आया, उसने मेरे को डैमेज दिया और मैंने भी बाइक आई खतरनाक उसको डैमेज दिया, उसके बाद फटाक से तस्वा को यूज करके फिर से इधर से उधर जाके मैंने एक स्प्रे किया और बंदा खत्म। क्योंकि गाइस मैंने लूना करेक्टर ले रखा है, जिसकी वजह से मेरा गन का रेट ऑफ फायर बढ़ गया और गाइस बंदा मर गया। उसके बाद आप लोग इस क्लिप पर देख से दूर में वेट कर रहे हैं, जब भी बंदे लोगों का बीच फाइट हुआ तो मैंने इस कॉम्बिनेशन की मदद से, मतलब तस्वा और केली करेक्टर की मदद से, कितनी स्पीड से बंदे के सामने गया और वो दोनों के बीच फाइट हो रहा था, मैंने जाके एक बंदे को पहले मारा, एकदम खतरनाक तरीके से डैमेज दिया, उसके बाद दूसरे बंदा भी था उसको भी मैंने ओपी तरीके से मार दिया। तो ऐसे करके दोनों को फिनिश कर दिया इस कॉम्बिनेशन की मदद से, ओपी तरीके से रश करके। उसके बाद इसी मैच में मैं बाहर लूट कर रहा था, लेकिन पीछे से एक बंदा मेरे को मारने लगा। भाई साहब, उधर अगर मेरे पास तस्वा करेक्टर ना होता मैं मर जाता। मैं फटाक से तस्वा करेक्टर को यूज किया, ओपी तरीके से कवर में आया और फटाक से बॉनफायर लगाया, और उसी टाइम बंदा मेरे ऊपर रश करने आया और मैंने ओपी तरीके से जंप करके उस बंदे को मारा, और ओपी तरीके से लूना करेक्टर की मदद से बंदे को ज्यादा डैमेज लगा और बंदा मर गया। उसके बाद इसी मैच में आप लोग देख सकते हो, एक बंदा एकदम दूर से भाग रहा था, मैंने उसको एकदम ओपी तरीके से स्लिस करके पकड़ लिया और बंदा मेरे से बहुत दूर था, लेकिन मेरे पास था तस्वा करेक्टर और केली करेक्टर, जिसकी मदद से आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी से मैं बंदे के सामने पहुंच गया और इजीली उस बंदे को डैमेज देके मार दिया। उसके बाद तो सबसे खतरनाक फाइट ये था क्लॉक टावर में। गाइस देखो, इस मैच में मैं उतरा क्लॉक टावर में, ठीक है। उसके बाद मैं सीढ़ी से ऊपर चला गया, बंदा ऊपर था तो मैंने तस्वा करेक्टर को यूज करके एकदम कवर में चला गया। जाने के बाद बंदा उधर कवर में था, उस बंदे के पास भी तस्वा था, मैंने फटाक से तस्वा यूज करके उसके सामने गया, उसको डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन बंदे ने ग्लोअल मार दिया, तो मैं ग्लोअल के अंदर जाके थोड़ा सा कवर लेके मैं उसको मारने लगा, वो भी मेरे को डैमेज देने लगा। फिर मैंने उसको बहुत सारा डैमेज दिया, तस्वा यूज किया, उसने भी तस्वा यूज किया, लेकिन वो कवर में चला गया, उसने भी स्प्रे किया, मैंने भी स्प्रे किया, लेकिन मैंने उसको मार दिया। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास इस कॉम्बिनेशन में लूना करेक्टर भी है, जिसकी मदद से मैं उसको बहुत ज्यादा डैमेज दे पाया, मतलब मेरा रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा हो चुका था और उसको डैमेज भी बहुत अच्छे से लगा और वो बंदा मर गया। तो ऐसे करके आप लोग इस कॉम्बिनेशन की मदद से कोई भी सिचुएशन में किसी को ऊपर रश करके इजीली उसको मार पाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी कर पाओगे ओपी तरीके से रश करके। ओके ओके, अभी बढ़ते हैं हमारे तीन नंबर कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि बैलेंस कॉम्बिनेशन है, जिसकी मदद से आप लोग रश और सर्वाइव दोनों अच्छे से कर पाओगे। और इस कॉम्बिनेशन को लेकर मैं अभी ग्रैंड मास्टर में रैंक पुश कर रहा हूँ एकदम ओपी तरीके से। ओके, तो इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को सबसे पहले लेना है आयरिस करेक्टर को, उसके बाद मिशा करेक्टर को, और उसके बाद मैक्सिम करेक्टर को, एंड लास्ट में आप लोगों को लेना है उल्फेरा करेक्टर को, ठीक है। और लोड आउट में आप लोगों को लेना है पॉकेट मार्केट। इस कॉम्बिनेशन का खासियत ये है गाइस, इसके साथ आप लोग अगर खेलते हो तो गाइस आप लोग थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि जब भी बंदे लोगों के बीच फाइट होता है उस टाइम बंदे को स्पॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आयरिस करेक्टर की मदद से आप लोग ग्लोअल के आर पार भी मार सकते हो। अगर बंदे लोग ग्लोअल मार मार के एकदम कवर में जाके फाइट भी कर रहे हैं ना, उधर से आप लोग इजिली बंदे को स्पॉट करके इजिली मार पाओगे। उसके बाद गाइस इस क्लिप पर आप लोग देख सकते हो मेरे साथ एक बंदा बैठा है, उसके बाद मिशा करेक्टर नहीं, लेकिन मेरे पास मिशा करेक्टर है, उसको बंदे ने क्या ही खतरनाक तरीके से मार दिया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा भी स्पॉट नहीं कर पाया, थोड़ा सा भी डैमेज दे नहीं पाया। तो इसकी वजह से मैं ओपी तरीके से गाड़ी लेके एकदम बंदे के सामने से ओपी तरीके से निकल गया, और निकल के ओपी तरीके से एक्चुअली मेरे जो टीममेट है ना उसको मैंने रिवाइव दिया। तो इस टाइप का सिचुएशन होता है जब भी आप लोग कोई भी जोन रोटेशन मारोगे, या तो कोई भी स्क्वाड में या डुओ में जब खेलोगे तो कोई भी बंदे को रिवाइव करने जाओगे तो गाइस पैदल जाओगे तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर आप लोग गाड़ी से जाओगे ना उधर आप लोगों को कोई बंदा नहीं मार पाएगा, तो इजीली आप लोग किसी को भी रिवाइव कर सकते हो। एंड बहुत बार ऐसा सीन होता है सोलो में, एक जगह से दूसरी जगह जोन बहुत दूर चला जाता है, तो उस टाइम पैदल जाने से बंदे लोग कवर में बैठ के इजीली आप लोगों को मार देता है। तो इसलिए गाइस गाड़ी लेके उस टाइम रोटेशन मारने से कोई भी बंदा आप लोगों को स्पॉट भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मिशा करेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रैंक पुश के लिए। और इस कॉम्बिनेशन में उल्फेरा करेक्टर लेने का मतलब ये है कि आप लोग जब भी बंदे के साथ फाइट करोगे तो थोड़ा सा भी अगर हेड में डैमेज लगता है बंदे का तो वो डैमेज ज्यादा लगेगा, ठीक है। और कोई बंदा अगर आप लोगों को हेडशॉट मार देता है तो गाइस फटाक से आप लोग नहीं मरोगे, तो उस वजह से उल्फेरा करेक्टर मैंने इस कॉम्बिनेशन में लिया है। तो गाइस ये कॉम्बिनेशन के साथ मैं हर एक मैच खेलता हूँ सोलो में। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो गाइस मिडिल वाला वीडियो क्लिक करो, इसमें बहुत ही खतरनाक एक गेम प्ले है इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो गाइस बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। सो गाइस यही था वीडियो, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज यार लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर, पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।